सारे सिविल ड्रेस में, उसमें गुंडा है, क्रिमिनल है, बदमाश है, पता नहीं। एब्सोल्युटली ममता बनर्जी को जलन है कि अर्जुन सिंह क्यों बंगाल की आवाज़ को उठा रहा है। बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज मालदा से लेकर, आज हुगली से लेकर, तेलनीपाड़ा से लेकर, ये जो अत्याचार के खिलाफ हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ से उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिला अजय ठाकुर को कि अर्जुन सिंह और उसके परिवार को एनकाउंटर करो, और इसीलिए सिविल ड्रेस में पुलिस फोर्स को लेकर यहाँ पहुँचा। अगर किसी को कुछ चिट्ठी देना है, वो यहाँ आके बोले हमारा नोटिस दीते इसी, और आज जा नोटिस दाए तार उत्तर हमारा दी, जो वो जो नोटिस देता है उसका उत्तर हम लोग देते हैं। अभी तक 74 मामला किया उसने मेरे अगेंस्ट में। अभी क्या क्या अभी क्या उसका क्या कारण? कुछ नहीं, अभी बोल रहा है कि हम नोटिस देने आ रहे हैं, आप लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं, इसीलिए पूरा सिविल ड्रेस में वो नोटिस देने के नाम पर मेरा, मेरे बेटे के ऊपर, मेरे भतीजे के ऊपर एनकाउंटर करना। अजय ठाकुर मुझे और मेरे परिवार के लोगों को एनकाउंटर करने का आदेश लेकर आया सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को लेकर। इसमें क्या तेलनीपाड़ा का कुछ? तेलनीपाड़ा में मैं क्यों गया, इससे उनको जलन हो गया। मैं तो ममता बनर्जी को पहचानता हूं, उनके साथ बहुत दिन राजनीति किया हूं, उनको अपना आलोचना बर्दाश्त नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी का आलोचना तो पूरा बंगाल कर रहा है। इसको लेकर कितने बार आपके घर में ऐसे हुआ? इसको लेकर कई बार हुआ, आज पहली बार मेरे सामने हुआ है। उनका प्लान यही रहता है कि सिविल ड्रेस में पुलिस को लेके आओ और कुछ भी घटना को दिखाकर एनकाउंटर करो। सीपी से आपका बात हुआ? मैं सीपी से बात ही नहीं करता। सीपी से क्या बात करो, किसके पास फरियाद लोगे? वो तो कलकत्ता कॉरपोरेशन वाला हाल हो गया कि चोर का कागज कॉपी कौन जांचेगा, फाइल कौन जांचेगा, तो वही चोर। कौन चीज का नोटिस लेके ये लोग आए थे बोल रहे थे? कुछ भी नहीं, कोई एक इसके पास चार आदमी को पकड़ता है, एक सादा कागज में सही कराता है और बोलता है पेट्रो नोटिस भेज दिया कि एक केस से अपना राचिन, इस केस में आप लोग को नोटिस किया गया। अरे नोटिस किया गया, ये कोई एक जनप्रतिनिधि हम लोग है, यहाँ राजनीतिक जीवन 70 साल का आज़ादी में 50 साल का राजनीतिक परिवार है, और इस 50 साल के राजनीतिक परिवार को आज तक सीपीएम के ज़माने में भी ऐसा कोई नहीं किया है। जो ममता बनर्जी सोच रही है कि पुलिस से भय दिखाएगी हमें, ममता बनर्जी आप मूर्ख की दुनिया में हैं। अर्जुन सिंह को पुलिस का भय नहीं और नहीं जान का भय है, एक जान है कोई भी जा सकता है, मृत्यु सबको है। अरे मौत से किसको यारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है, मौत से किसी का यारी नहीं है। ऊपर पार्टी को जनाए आप? अब तो अभी जनाएंगे हम लोग पार्टी को, अभी जनाते हैं। वो लोग ऐसे ऐसे चले गए? नहीं, नोटिस दिया और यहाँ पूरा नाटक करने का कोशिश किया। क्या नोटिस दिया? क्या नोटिस? किसी केस का नोटिस दिया होगा, वो नोटिस हम लोगों ने ले भी लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे इनका झूठ का, हर केस का झूठ का एक नोटिस है इनके पास, ये साजिश से जा रहा है। हाँ, पूरा पूरी साजिश है, और बोलता है कि घपला हुआ है। क्या घपला हुआ भैया? कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन आदमी किससे पैसा ले, उससे क्या मतलब है? वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कुछ भी किसी के अगेंस्ट में केस कर सकती है, उसको करने दीजिए, लेकिन केस करना अलग चीज़ है, वो एनकाउंटर करने का प्लान और प्रोग्राम करके ले आया था। घुसा था लोग? नहीं, यहीं पर हुआ है, यहीं पर घर में ढुकने नहीं पाया। यहाँ फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, घर में नहीं ढुकने पाया, लेकिन उसको उनका मेन सिविल ड्रेस में पुलिस क्यों आएगा मेरे पास सिविल ड्रेस में? अगर किसी अधिकारी को मुझसे मिलना है वो विथ ड्रेस आना पड़ेगा, विथ कैप आना पड़ेगा, इट्स ए पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है, और वो यहाँ पर आता है सिविल ड्रेस में, उसमें गुंडा है, क्रिमिनल है, शूटर है, कौन है, इसका क्या आइडेंटिटी है? वो आकर यहाँ इस तरह का माहौल बना के और गोली चलाने का प्रोग्राम करके आता है। যদি এখনো আমাদের স্টিং নিউজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি ক্লিক করুন, পেয়ে যান সব খবরের দ্রুত ভিডিও আপডেট।